मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दो दिवसीय कोरिया प्रवास के दौरान आज चिरमिरी में करीब 445 लाख रुपए की लागत से बने स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक एवं महापौर भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल के बच्चों से भी मुलाकात की तथा स्कूली बच्चों द्वारा विशेष प्रस्तुति भी दी गई। अंग्रेजी माध्यम स्कूल चिरमिरी के लोकार्पण हुआ। बहुत ही सुंदर ये बिल्डिंग है और उसी हिसाब से तैयारी की गई है और सारे शिक्षकों के प्राचार्य सहित सबके सिलेक्शन कर लिया गया है और बहुत लंबे समय से इसकी मांग थी जिसकी पूर्ति हो रही है। मैं चिरमिरी वासियों को बधाई देता हूं। साथ ही अभी विधायक जी ने मेडिकल कॉलेज की भी मांग की है, तो जो नेक्स्ट प्रस्ताव होगा निश्चित रूप से चिरमिरी में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सर, मनेंद्र लगातार बयान आया था कि जो लोग 2.5 साल की बात कर रहे हैं वो पूरा कल बोल चुका ना, हो गया वो। मनेंद्र लगातार अपेक्षा का शिकार हो रहा है जी। मनेंद्र में भी आपके 2 साल बीत गए, आप भी नहीं आए अभी तक। अच्छा, बिल्कुल आऊंगा। कोविड के कारण से गड़बड़ा है। 2 साल पूरे हो गए सर, इसके बाद 2 साल पूरे हो गए सरकार के। क्या हो गया? टीएस सिंह दिल्ली दौरे पे है आपका दिल्ली दौरा कब? अरे उसके अपने भाई बहू के जन्मदिन मनाने गए हैं यार। सरकार पारिवारिक काम में गए हैं। सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। किसका? कांग्रेस सरकार, रामचंद्र का। कांग्रेस सरकार पर्ची दिए थे, एक बार मिला था जब वो गृह मंत्री थे, उसका क्या हुआ उसको बारे में पहले बता ले। राम विचार नेताम जी वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और उसको मालूम है कि नक्सली गतिविधि पहले कितना था और अब कितना हो गया, उसके बारे में अब क्या बताएं। अरे यार, उसका बयान नहीं, मुझसे क्या सवाल करना, वो पूछो ना। इसका बयान क्या है, उसका बयान क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। मुझसे कोई सर, पिछले बार आप आए थे तो जिला के लिए बोले थे सब रिटायर हो। हाँ तो ठीक है ना, अभी तो हाँ बिल्कुल मत छोड़िए, जब तक नहीं बनेगा आप पूछते रहिए। बिल्कुल सर, क्या उपलब्धियाँ हैं? देखिए, 15 तारीख को सभी हमारे मंत्री जिला मुख्यालय में जाके हमारे संसदीय सचिव और संगठन के लोग 15 साल के उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। 15 साल जो 15 साल बताऊँ, 2 साल के उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इन 2 वर्षों में जो हम लोगों ने काम किया है वो सबके सामने है। क्या है आपकी सरकार? अब यार एक सवाल तो पूछने का पूरा होने, 2 साल की जो उपलब्धि है, आपने देखा है जहाँ ऋण माफ़ी और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की शुरुआत की, आज धान खरीदी सब पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और उसमें 2300 केंद्रों में धान खरीदी कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी तो 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए थे, उसके बाद 83 लाख मीट्रिक टन हुआ, इस साल 90 लाख मीट्रिक टन तक के धान उपार्जन किया जाएगा। सर, सरोज पांडे कहती हैं कि सिर्फ नाचना गाना किया भूपेश सरकार ने, उनके मंत्री विधायक भी नाचे और सीएम खुद नाचे। एक चीज बताइए, किसने क्या कहा उसी के बारे में आप सवाल पूछेंगे? सर, मेरे उसके अलावा सरोज पांडे जी जब वहाँ मुख्यमंत्री तत्कालीन रमन सिंह जी और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी, जो सुवा नाच है ना, सुवा नृत्य, वो महिलाएं हमारी नृत्य करती हैं और उसमें उनके साथ दुर्ग के स्टेडियम में क्या कर रही थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना था, कमर मटका रहे थे मुख्यमंत्री के साथ। सुवा नृत्य महिलाओं का है, उसमें मुख्यमंत्री के नाचने क्या काम था? प्रदेश में सर, रेत उत्खनन के लिए अच्छी पद्धति लाई थी आपने, टेंडर किया था, लेकिन उसके बाद भी रेट टेंडर होता है, उसके बाद जो ठेकेदार होते 2 से 3 हज़ार रुपये ग्रामीण से वसूली करते हैं, उनके मकान पूरे नहीं हो पा रहे। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत है तो दीजिए, निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो रेत के जो नियम बने हैं वो आम उपभोक्ताओं को वाजिब दर पर रेत मिले, इसलिए इस नीति बनी है। यदि आपको इस प्रकार की कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से कलेक्टर को या हम लोगों तक, मंत्रियों तक, प्रभारी मंत्रियों तक जानकारी दें। यदि कोई इस प्रकार की शिकायत है सख्त कार्रवाई की जाएगी।